सर्दियों में यूं तो दिल की बीमारी कॉमन होती है, लेकिन आज के टीनेजर्स में भी यह मामले सामने आ रहे हैं। जिला अस्पताल व बीआरडी मेडिकल कॉलेज की ओपीडी में आने वाले 350 से ऊपर मरीजों में 15-20 वर्ष और 20-30 वर्ष के युवा ज्यादा हैं। इन युवाओं में सबसे ज्यादा जो फैटी यानी मोटापे से ग्रसित हैं, उनमें दिल की बीमारी ज्यादा हो रही है। वहीं कार्डियोलॉजिस्ट की माने तो मोटापा से ग्रसित युवाओं में हाई बीपी, स्ट्रोक व मायोकार्डियल इन्फेक्शन के कारण इनमें दिल की बीमारी तेजी के साथ उभर रही है। उन्हें प्रॉपर और समय से इलाज नहीं दिया गया तो आगे खतरा उत्पन्न हो सकता है। इसके लिए एक्सरसाइज भी सजेस्ट की जा रही है। आपको बता दें, युवाओं में तेजी के साथ उभर रहे दिल की बीमारी को जिला अस्पताल के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर रोहित गुप्ता ने बताया कि सर्दियों में दिल की बीमारियों के मामले में इजाफा होता है और इसकी चपेट में युवा भी आ रहे हैं। युवाओं में बिगड़ती बुरी आदतें, व्यायाम की कमी, कार्यक्षेत्र में तनाव आदि कई कारण हैं। उन्होंने बताया कि अब हृदय संबंधित बीमारियां बढ़ने लगी हैं। पहले जहां अस्पतालों में हार्ट से संबंधित समस्या के लिए 10% युवा आते थे, वहीं अब इनकी संख्या बढ़कर 35% तक पहुंच गई है। यह बीमारी बच्चों में आनुवांशिक, युवाओं में खराब जीवन शैली, मध्यम और बुजुर्गों में वाल से संबंधित समस्या के कारण होती है। उन्होंने बताया कि युवाओं में दिल की बीमारियों के बढ़ते मामले के पीछे एक बड़ा कारण मोटापा भी है। मोटापे के कारण शरीर में प्रक्रिया धीमी हो जाती है, जिससे दिल पर अधिक दबाव पड़ता है। इसके अलावा युवाओं में तनाव की समस्या भी बढ़ रही है, जो दिल की बीमारियों का एक प्रमुख कारण है। युवाओं में सीबीडी के अलावा मोटापा हाई ब्लड प्रेशर के खतरे को बढ़ाता है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए जिला अस्पताल में तैनात कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर रोहित गुप्ता ने कहा, अमूमन ठंड में जो है 100 से 110 मरीज आ रहे हैं ओपीडी में, जिसमें से 5 से 7 मरीज जो है नए हार्ट अटैक के होते हैं। जो है ठंड में हार्ट अटैक के ज़्यादा केस होते हैं, जो है जिसका मुख्य कारण जो है खान पान और उन लोगों का रहन सहन है। जो है ठंड में एक्सरसाइज कम होती है और खान पान बढ़ जाता है लोगों का जो है, और जो मुख्य रिस्क जो मेन कारण इसके जो है हाई ब्लड प्रेशर है, शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, मोटापा है, जो है नींद ना आना है, स्ट्रेस है। जो है सर, देखा जा रहा है कि युवा काफ़ी इसके चपेट में आ रहा है, क्या कारण है? युवाओं में मुख्य कारण जो है अत्यधिक तनाव, करियर को लेके जो है स्ट्रेस लोगों के अंदर है, जो है नींद ना आना, जो है आनुवंशिक भी है जो है उसमें, जो है और अव्यवस्थित खान पान जिसमें कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा सेवन जो है, जंक फूड है। तो इससे बचाव के लिए लोगों को किस तरह सावधानियां बरतनी चाहिए? इससे बचाव के लिए जो है लोगों को जो व्यवस्थित जीवन शैली और अनुशासन में रहने की जरूरत है। जो है एल्कोहल स्मोकिंग का इस्तेमाल ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। सब्जियाँ फल का ज़्यादा सेवन करें।